अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं अजान व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो किसी खाने पे नहीं है, आज हम जरा जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है भट्ट साहब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भट्ट साहब? ठीक ठाक है, शुक्र है। तो जो हमारा प्रोग्राम है जी, वो इस टाइम बादशाही मस्जिद का है। हम लोग रस्ते में हैं और रिंग रोड पर चढ़ चुके हैं। अभी हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या विजिट कर रहे हैं। तो ले जी, अभी जो है वो हम रिंग रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम जो है वो पहुँच जाएंगे बादशाही मस्जिद। तो वहाँ चल के जो है अगला व्यू आपको बादशाही मस्जिद का चेक कराते हैं। फिलहाल ज़रा रिंग रोड चेक करें, दिन का टाइम है, मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है इस टाइम और धूप जो निकली हुई है, सर्दियों का मौसम है ज़ाहिर बात है, और धूप भी मज़े की लगती है इसमें। तो खैर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस टाइम जो है रिंग रोड का व्यू। बाकी अब आपको बादशाही मस्जिद चल के अपडेट करते हैं। तो ले जी जनाब, अभी हम पहुँच चुके हैं आज़ादी इंटरचेंज की तरफ और ये हमारी साइड पर आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद, और वहाँ पे पीछे कहीं मीनारे पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा होगा। खैर अभी हम जा रहे हैं जनाब इधर बादशाही मस्जिद की पार्किंग की तरफ, तो वहाँ चल के फिर अगले शॉट आपको चेक कराते हैं। चुके हैं इधर बादशाही मस्जिद के गेट पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपको नजर आ रही होगी मेन एंट्रेंस बादशाही मस्जिद की। तो खैर अंदर चलते हैं अभी। ले जी मेन एंट्रेंस बादशाही मस्जिद, बाहर दो घोड़े और नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। तो जनाब बादशाही मस्जिद के अंदर जो है वो हम इंटर हो चुके हैं। ये है जी यहाँ का अंदर का व्यू। तो ये है जी बादशाही किले की एंट्रेंस है। तो यहाँ पे जो है वो मुग़ल आके बैठा करते थे, खैर जैसा कि भट्ट साहब ने बताया, मुझे तो नहीं पता। बंदे ना बन पुत्र, इसकी कट क्लिप हैगी। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है और लोग भी खैर यहाँ पे अब काफ़ी हैं, लोग यहाँ पे विजिटिंग के लिए आए हुए हैं जगह को देखने के लिए, क्योंकि अल्लाह का घर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना हुआ है और पाकिस्तान की एक कदीम इमारत है, पुरानी इमारत है। और यहाँ का व्यू जो है खैर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और अभी हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, आए हमारे साथ, आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। यहाँ पीछे खैर एक म्यूज़ियम टाइप जगह भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर अंदर वीडियो शूट करना कोई अलाउड नहीं था, इस वजह से वहाँ की वीडियो तो शूट नहीं कर सके, लेकिन मज़ीद आपको आगे मस्जिद के अंदर का व्यू चेक करा सकते हैं। अभी तो खैर हम जा रहे हैं आगे बादशाही मस्जिद की तरफ, ज़रा इसका एक क्लोज व्यू चेक करते हैं आपको, आ जाए हमारे साथ। जनाब शाम का टाइम है और मस्जिद का बाहर का व्यू जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, पीछे धूप भी है। और ये जी इसके अंदर का व्यू, भट्ट साहब भी आगे आगे चल रहे हैं, वो अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, मैं अपना शूट कर रहा हूँ। और अभी हम चलते हैं जी अंदर, आपको जो है वो मस्जिद के अंदर का व्यू चेक कराते हैं, ज़रा आ जाए हमारे साथ। तो जनाब मस्जिद के अंदर जो है वो नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और जो बाकी विजिटर्स हैं वो मस्जिद जनाब देख रहे हैं, सब मस्जिद विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत पुरानी मस्जिद है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, क्या ही बात है ये। तो गाइज ये जो है ये इसकी साइड वॉल है मस्जिद की, और जहाँ पे आप खिड़कियों में जब आते हैं ना तो आपको सामने मीनारे पाकिस्तान भी नज़र आता है, वो आप देख सकते हैं सामने मीनारे पाकिस्तान। और माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है, ये नीचे गार्डन टाइप जगह बनी हुई है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारी है। नीचे भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं,
ये जो है साइड वॉक है, यहाँ पे वॉल के अंदर ही ये जगह बनी हुई है जहाँ पे आप पैदल चल सकते हैं और व्यू का नज़ारे का जो है ना वो मज़ा ले सकते हैं। ये रहा मस्जिद का सहन और ये हम इसकी साइड वॉल पे चल रहे हैं। तो गाइज ये जो है ये है जी मिंटो पार्क, जहाँ का कभी ना कभी आपने अपने स्कूल सिलेबस में अपने कॉलेजेस में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। हमारे बानी जो है कायदे आज़म, उन्होंने यहाँ पे करारदाद मंजूर कराई थी और हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था। तो खैर माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है जी, देखें आप सब भी। तो ले जी गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग और यहाँ पे जो है आप हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह का घर है और ये सब के ही दिलों में बसता है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मज़ेदार व्लॉग्स के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें नेक्स्ट व्लॉग कहाँ पे बनाना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।